नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल प्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर मां बेटी से मारपीट। नगर के इंग्लिशपुर क्षेत्र में प्रॉपर्टी विवाद के चलते धर्मेंद्र पाटीदार ने अपने तीन दोस्तों के साथ घर में घुसकर मां बेटी के साथ मारपीट की। इस पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फरियादी सुमन वर्मा ने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में कराई। कोतवाली पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र पाटीदार और तीन अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार फरियादी सुमन वर्मा के पति जीवन वर्मा और धर्मेंद्र पाटीदार दोनों अच्छे दोस्त थे और दोनों के बीच रुपये का लेन देन भी होता था। पीड़ित महिला के पति जीवन वर्मा की मौत के बाद पीड़िता सुमन वर्मा अपनी बेटी के साथ मकान में अकेली रहने लगी। आज अचानक धर्मेंद्र पाटीदार अपने तीन दोस्तों के साथ पीड़ित सुमन के घर आया और पीड़िता के मकान को अपना बताकर खाली करने को कहा। पीड़िता सुमन वर्मा के विरोध करने पर आरोपी धर्मेंद्र और उसके तीन दोस्तों ने सुमन वर्मा के साथ मारपीट शुरू कर दी। मां को बचाने आई बेटी लक्ष्मी वर्मा के साथ भी मारपीट की। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए सीहोर से धीरज साहू की रिपोर्ट। भारत के 10 राज्यों में तेजी से बढ़ रहे आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर को सब्सक्राइब कीजिए और पाए अपने आसपास की तमाम मुख्य खबरें अपने ही मोबाइल पर, क्योंकि सुप्रीम पावर हंटर करता है मुद्दों की बात जिनसे है जनता का सीधे सरोकार। समझौता नहीं, पहल चाहिए।